वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची के लिए आलमी बैंक से मदद मांग ली। मुराद अली शाह कहते हैं कि बारिशों के बायस होने वाले तबाहशुदा रोड नेटवर्क की असरेनो तामीर का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने आलमी बैंक पर जोर दिया है कि वो शहर के बारिश से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए सूबाई हुकूमत की मदद करे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर मिस्टर नाजे बैलसन को बताया है कि अगस्त के एक ही दिन में कराची में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसने शहर में मौजूद सड़कों के नेटवर्क को तबाह कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने तबाहशुदा रोड नेटवर्क की असरेनो तामीर का फैसला किया है और नालों के साथ कायम तजावुजात को खत्म करके तमाम बरसाती नालों को सही करना है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा है कि सिंध के चार अजला मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़ और बदीन, जहां शदीद बारिशें हुई हैं, वहां तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं और बारिश के पानी ने बड़ी तादाद में मकानात को तबाह कर दिया है। हमने मुतासरा लोगों को उमरकोट में कायम कैंप में खेमों में मुंतकिल कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री चीफ ने वज़ीर-ए-आला सिंध को यकीन दिलाया है कि वो कराची के बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए माली एआनत के मंसूबे पर अमल दरामद करेंगे। कंट्री डायरेक्टर ने वज़ीर-ए-आला सिंध को मशवरा दिया है कि वो अपने चेयरमैन पीएनडी को जरूरी दस्तावेजात के साथ आलमी बैंक की टीम के साथ तजवीज़ पेश करने के लिए कहें।